तैयब को देखें कैसे एक एक ईंट उठा के लेके जा रहे हैं, कहते हैं मेरा छत के ऊपर मेरा अपना कमरा बनाओ, मैं अपनी ईंटें खुद लेके आऊंगा। बस करो तैयब आप ना ले जाओ। हाँ 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 हाँ। सारे यूट्यूब की सैलरी है ना, कपड़े इनके कपड़े गंदे होंगे कि मैं वो वैसे ही कहेंगे यार। अभी सिकंदर ये नहीं उठा के ले गया, पता है आपकी आपकी मामा बेइज्जती करेंगी, ठीक है आपकी मामा बेइज्जती करेंगे, उनको मना करो मेहमान आए हुए हैं तो वैसे ही इंटे उठा ले गया। बच्चे मेहमान आए हुए हैं इधर जी कहीं से, वो इंटे खुद बहुत ही शौक से कहते हैं फैजी भाई हम भी इंटे साथ ले जाते हैं, लेकिन अच्छी बात नहीं है ना, उनके अम्मी अबू देखेंगे बुरा समझेंगे, इसलिए मैंने उनको मना किया कि ना लेके जाए। हाँ सर ये इंटे ज़्यादा हो रही है, बार बार कैसे करें, इंटे हम लेके जा रहे हैं वापस आते फिर ज़्यादा हो जाती हैं, अभी ज़्यादा इंटे हो गए दोबारा। आप क्यों लेके जा रहे हो इंटे, इधर आओ ना बताओ ना। क्या कह रहा, वो कह रहा है मेरा मन कर रहा है काम करने। यार मैं कहता हूँ अच्छी बात नहीं है, वो नाराज़ होंगे उसके माँ बाप, वैसे ही यार के बच्चे हैं छोटे, क्या करें यार फुल होगी है फिर ऐसे कैसे बार बार गिरती है। बस दो इंटे सही है ऊपर, चलो देखो मजबूत, बस आप नहीं गिरेगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी ले। मैंने बहुत बार समझाया, मैंने कहा यार ना करो ना करो, कपड़े बारिश भी है गिरे हो रहे हो, मेहमान आए हुए उधर, लेकिन खुद कह रहे हैं हमारा दिल कर रहा है काम करने का, बंदा क्या करे अब, छोटे बच्चे हैं ना क्या कह सकते हैं अब इंसान। असलाम भी आया है खान साहब, मैं कह रहा था 4 लाख फॉलोअर हैं मेरे, इंटे 1000 हैं, क्या ख्याल है अगर एक एक फॉलोअर आधी आधी इंट भी ले जाता तो फिर एक एक फेरा लगता है ना। आपके फॉलोअर पीछे आ रहे हैं वो देखो सामने, ठीक है वो पीछे वो गोरे हैं मेरे फॉलोअर नहीं ये सैदपुर है ना, इधर सोचो मेरे फॉलोअर होते इतने एक एक इंट भी ले जाते तो एक ही फेरा लगता, क्या ख्याल है एक, एक ही फेरा आता है पूरा कभी नहीं, आधे से भी कम खान साहब, 1000 इंट है और फॉलोअर 4 लाख है, 1 लाख में 1 लाख में असल में हम दो इनाम से नहीं जाते, हम दो हैं हजार ईंटें, कोई नहीं हम 200 ही हैं बस, कोई मसला नहीं। ये वो है ना ये घूमने फिरने के लिए आए हैं। तैयब को देखें कैसे एक एक ईंट उठा के लेके जा रहे हैं, कहते हैं मेरा छत के ऊपर मेरा अपना कमरा बनाओ, मैं अपनी ईंटें खुद लेके आऊंगा। तैयब थक गयो बच्चों को छोटी ईंटें पसंद, तैयब देखो थक गयो, हम थक गयो जाने दो फिर। आपके पास सब्सक्राइबर कितने हैं? 4 लाख नहीं सब्सक्राइबर 80,000 है, क्यों 4 लाख, 4 लाख भी है ना, 4 लाख भी है, इतने इतने फेरे मार दिए अभी तक, आधे भी नहीं हुई है ना, ठीक है छोटी, ठीक है छोटी बहन है आपकी छोटी, नहीं फिर मरवा है। ओ देखिए जी मेरा शहजादा भी उठा के ले के आ रहे हैं इंटे करके, तेज थके तो नहीं हो हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक है उसने, तैयब ये एक इंट उठा के लेके जा रहा है, कहता मुझे मेरा कमरा बना के दो फैजी भाई, मैंने कहा यार अभी आपका कमरा किधर बनेगा, अभी दुआ करो कि अल्लाह ताला तौफीक दे आपका कमरा बनाने के लिए कि आपका सेपरेट कमरा बना के दे, मरा अपना तो नहीं था बचपन से सेपरेट कमरा, लेकिन अभी सो यही सोचते हैं कि छोटा भाई है चलो इसको तो बना के दे दें इंशाल्लाह, जब ये थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसके लिए अपना कमरा होना चाहिए सेपरेट, कोशिश करते हैं उसके लिए इंशाल्लाह, अल्लाह ने तौफीक दी तो बना लेंगे फिर, इसी के लिए कोशिश कर रहे हैं अभी। तैयब ये आखिरी बार है ठीक है, इसको छोड़ के फिर नहीं जाना दोबारा, ठीक है ठीक है। हाँ बस करो तैयब आप ना ले जाओ, बाकी जा रहे हैं ना इसको देख देख के, बच्चों को देख के खुद भी जा रहे हैं, अभी जितनी इंटे लेके आनी थी वो मैं थोड़ी ले आया हूँ, अभी ड्यूटी का टाइम है, ड्यूटी से मैं लेट हो रहा हूँ तो नहाऊँगा तैयारी करूँगा ड्यूटी के लिए, ले जा रहा तो बहुत लेट हो जाए, क्या एक जगह ले जा चल, हाँ सब लेट हो गए बहुत, अब 15 मिनट ऊपर हो गए, नहाऊँगा फिर सब्जी भी करनी लेट हो जाऊँगा, तो अभी मैं नहा धो के तैयारी शारी करके फिर काम पर पहुँचता हूँ। अभी इस वक्त मैं आया हूँ पिंडी में ललकारी बाज़ार जो है ना उधर जिधर मैं काम करता हूँ जॉब करता हूँ, वहाँ की सारी परचेजिंग करनी है, प्रोक्योरमेंट करनी है, जितना भी पूरे मंथ में सामान यूज़ होता है जो हमें बल्क में लेना पड़ता है, जैसे कि चीनी दाल चावल और मैदा, ये सारी चीज़ें, उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो वहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, मसाले आ जाते हैं उसके अंदर,
और जितना भी सामान मतलब कैंटीन के अंदर यूज़ होता है जो हमें पूरा महीने के लिए चाहिए होता है ना, वो खरीदने के लिए मैं वो भी ललकारी बाजार, क्योंकि यहाँ से सामान सस्ता मिल जाता है, होलसेल पे मिल जाता है। इसलिए कंपनी की गाड़ी भी खड़ी है सामने, वो कैरी डब्बा वाइट कलर का, तो इस पर सारा सामान यहाँ से लेके हम चले जाएंगे। मेरे साथ दो बंदे और भी आए हुए हैं, मैनेजमेंट के जो बंदे हैं। पहले मैं सामान लेता हूँ सारा इस्लामाबाद से, वहाँ से मतलब पंजाब कैश एंड कैरी से या फिर मदीना कैश एंड कैरी से, कराची कंपनी से, वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, उस पर टैक्स भी लग जाते हैं ना ऊपर, तो टैक्स वगैरह दे के वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, उस पर बहुत ज़्यादा नुकसान हमारा हो जाता है। फिर राइट साइड पर दुकान है इधर सामने, साइकिल की बहुत बड़ी दुकान है, लेकिन अभी इस काम क्या करें, छोटे होते थे तब हमें साइकिल चाहिए होती थी, तब मैं सोचता था साइकिल हो जाए घूमने फिरने के लिए, टाइम फ्री होता था ना। अभी साइकिल के पैसे भी हैं, साइकिल ले भी सकता हूँ, लेकिन साइकिल का क्या करूँ, लेके टाइम नहीं है चलाने के लिए, पूरा दिन मसरूफियत में गुजर जाता है। साइकिल चलाने के लिए, साइकिल इंजॉय करने के लिए बचपन में टाइम था, उस टाइम तो साइकिल थी कोई नहीं। अच्छा कटिंग भी मैंने इस बार कराई है, कोई नई ने अजीब सी कटिंग कर दी है, आप कमेंट में बता दें, देखिए आपको कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है अच्छी नहीं लग रही है, मुझे तो पसंद नहीं आई इस बार। साइड से उसने बाल बहुत छोटे कर दिए ना, मैं साइड से बाल छोटे से करवाता नहीं ज़्यादा, तो आप कमेंट में बता दें कि अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही अच्छी। अभी गाड़ी से उतर के हम जा रहे हैं ना ललकारी बाजार सामान लेने के लिए, राइट साइड पर भी देखें, लेफ्ट साइड पर भी देखें जूतों का कितना ढेर लगा हुआ है। इधर जूतों की प्राइस जो है इस्लामाबाद के मुकाबले में सस्ती है, इधर अगर सस्ते जूते आपको लेने हो तो आप इधर आ जाएं, इधर आपको सस्ते जूते भी मिलेंगे हर तरह के, ये आप देखें इधर सैंडल शूज़ खेड़ियाँ हर तरह के जूते यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो इधर इनकी वाफर मकदार है, जिधर चीज़ ज़्यादा होती है तो उसकी कीमत कम होती है। मेरे इस तरफ देखें राइट साइड पर ऐसा लगता है जैसा सब्ज़ी की मंडी है, बड़े बड़े आलू के तोरे पड़े हैं 50-50 किलो वाले, और हर चीज़ जो है ना वाफर मकदार में, यहाँ पर सब्ज़ी मंडी लग रही है ये। इधर राइट साइड पर सारी सब्ज़ियाँ पड़ी हुई हैं, अदरक लहसुन लीमो हर तरह की चीज़, और अगर मैं लेफ्ट तरफ देखेंगे यहाँ पे ये ऑयल की शॉप्स हैं, और बकाया ये 14 अगस्त का सामान भी आ गया, 14 अगस्त करीब करीब आ रही है ना, इसलिए 14 अगस्त का सामान अभी आ जाएगा, गली गली हर मोहल्ले में आपको नजर आएगा, क्योंकि 14 अगस्त पे लोग बहुत झंडे और ये चीज़ बेचते हैं, लोग खरीदते भी हैं। तो ये लिस्ट मेरे हाथ में है, अभी जल्दी पहुँचने ललकारी बाज़ार, वहाँ पर जाके फिर इसमें से जो सामान भी लेना है वहाँ से ले लेते हैं। टेक अवे का जितना भी सामान था, क्लिंग फ्लिंग ग्लासेस और स्ट्रॉ वगैरह, ये सारे हमने यहाँ से ले लिए हैं, 35-40 हज़ार रुपये तकरीबन इसका बिल बन गया था। इसी एक दुकान से हमने सारा सामान टेक अवे का खरीद लिया, टिशू वगैरह जो कुछ भी चाहिए था, बकाया जितनी दालें और चावल लेने थे उसके लिए हम इस दुकान में आए, लेकिन मौसम सावन क्या है, इस मौसम में अगर ज़्यादा पूरा तोड़ा ले लें दाल का तो वो ख़राब हो जाता है, फिर उसके अंदर वो कीड़े पड़ जाते हैं, इसलिए हमने दालें तो नहीं ली, लेकिन यहाँ से हमने चावल लिए हैं, चावल जितने चाहिए थे ज़रूरत थे वो हमने यहाँ से चावल ले लिए, तकरीबन 70 या 75 किलो 3 बोरियाँ चावलों की। ये जो कंपनी वाली गाड़ी थी ये फुल हो गई थी, इसको फिर हमने फुल करके यहाँ से भिजवा दिया वापस, टाइम खाने का हो गया था, भूख लग रही थी, तो फिर 2 प्लेट मंगवा लिए बिरयानी के साथ रायते की। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ना, इधर ऐसा सोचे बिस्किट जो है उसकी होलसेल की बड़ी फैक्ट्री समझे, इतनी ज़्यादा मतलब कि बड़ी बड़ी सुजुकियाँ नहीं, देखें सामने ये इस तरह 10-10, 12-12 सुजुकियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भर भर के यहाँ से बिस्किट लेके जाती हैं एक ही टाइम पे। फिर आप ये समझ रहे हैं कि सारे यूट्यूब की सैलरी है ना, फिर आप गलत समझ रहे हैं, क्योंकि ये सारी कैश उसके लिए परचेजिंग के लिए है, परचेजिंग करने के लिए हमारे में ना, तो उसके लिए इधर छुपा के इसलिए रखी है कि जाहिर है आपको पता है लोग पिंडी है ना, 100 मामलात इधर होते हैं पिंडी में। तो अभी हम इधर जिस दुकान जिस एरिया में आए हैं तो सारी बोतलों की दुकानें देखें, हमारे बोतलों के स्टॉक लगे हैं पूरे पूरे मंडी में, आप फुल आपको अभी मैंने अपने लिए सारा वो भी लिया है ड्राई फ्रूट का सामान, क्योंकि मैं जिम से जब वापस आता हूँ ना फिर मैं शेक बना के पीता हूँ, उसमें किशमिश चने गुड़ चिया सीड्स बादाम पिस्ता ये चार मगज पम्पकिन सीड्स चिया सीड्स ये सारी चीज़ें उसमें डलती हैं, तो मैंने सारी चीज़ें भी ली हैं अपने लिए। खजूरें रहती हैं, अभी खजूरें लेनी है बाहर से बस, और बस खजूरें रहती हैं खाली, 4-5 होने लगे हैं अभी, सुबह 8 बजे गए हैं 9 बजे भी। 40-50 हज़ार इस दुकान से बिल बने हैं, बस ये इस दुकान का बिल क्लियर करके फिर हम चले गए, जैसे चावल लिए थे, चावल वगैरह गाड़ी में लोड किए हैं, चावल लोड करने के बाद हम बस वापस आ गए हैं, और वापसी पे ये नारे का मंजर चेक करें आप। इसी के साथ साथ आज के व्लॉग को करते हैं ख़त्म, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।